डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इफिशिएंसी ऑफ रेसिपिटिंग एयर कंप्रेसर। तो पहली इफिशिएंसी जो होती है वो आइसोथर्मल होती है। आइसोथर्मल इफिशियंसी के लिए ईटा ईटा फॉर द इफिशियंसी, आइसोथर्मल के लिए आईएसओ, इस तरह वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पे अपने पास हमको पता है कि दो तरीके से पावर जनरेट होती है, एक एक्चुअल पावर, एक हाइपोथेटिकल पावर। तो यहां पे जो हाइपोथेटिकल पावर है या वर्क डन है वो आइसोथर्मल है, लेकिन जो एक्चुअल वर्क डन है वो इंडिकेटेड वर्क डन है। तो हमें पता है इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन यहां पे आउटपुट जो अपने को मिल रहा है वो आइसोथर्मल के रूप में है। तो आइसोथर्मल कितना वर्क डन किया गया ये हमें देखना है। आइसोथर्मल वर्क डन जो कि बहुत कम होता है, दूसरा इंडिकेटेड वर्क डन जो कि ज्यादा होता है वो हमें देखना है। तो ये इफिशियंसी बनेगी, ये इफिशियंसी 85 to 90% होती है। इसको हमें यहां पे डेरिवेटेड फॉर्म में लिखना है। तो आइसोथर्मल जो वर्क डन होता है P1V1 नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 होता है, और जो इंडिकेटेड वर्क डन होता है N upon N-1 P1V1 ब्रैकेट में P2 by P1 टू द पावर N-1 by N-1 होता है। तो यहां से P1V1 अप एंड डाउन साइड कैंसिल हो जाएगा, तो आइसोथर्मल का जो फार्मूला है वो शॉर्ट हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 upon N upon N-1 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में जो प्रेशर रेशियो है P2 upon P1 की पावर N upon N-1 by N ये हो जाएगा। तो ये आइसोथर्मल की इफिशियंसी है। इसमें परफेक्ट कूलिंग होती है क्योंकि पिस्टन काफी स्लो स्पीड में चलता है, इसलिए इसे आइसोथर्मल की एफिशिएंसी के रूप में जानते हैं। दूसरी एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए ईटा MECH लिखते हैं, और ये होता है इंडिकेटेड पावर रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर टू द शाफ्ट पावर, या जैसे कि ब्रेक पावर भी बोलते हैं, शाफ्ट ऑब्लिक ब्रेक पावर ऑफ मोटर। कितनी मोटर को पावर रिक्वायर है उसके लिए हम यहां पे बात करते हैं। तो ये शाफ्ट पावर या बीपी ऑफ मोटर जो रहती है सबसे ज्यादा रहती है कंपेरिजन टू द इंडिकेटेड पावर। यदि हम इंडिकेटेड पावर से तुलना करेंगे तो शाफ्ट पावर सबसे ज्यादा होती है। तीसरा होता है आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी। आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी के लिए कितनी आइसेंट्रोपिक पावर है, टू द शाफ्ट पावर। अब शाफ्ट पावर दोनों ही केस में ज्यादा होती है, आइसेंट्रोपिक और इंडिकेटेड पावर हर इफिशियंसी के केस में, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे आइसेंट्रोपिक हो, दोनों केस में कम होती है शाफ्ट पावर की तुलना में। तो ये तीसरी इफिशियंसी होगी। चौथी इफिशियंसी होती है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी के लिए जो फार्मूला रहता है, कितना एक्चुअल वॉल्यूम अंदर आया फ्री एयर डिलीवरी, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे कितना वॉल्यूम जो है एक्चुअल कंडीशन पे अंदर आया, टू द जो सिलेंडर डायमेंशन का वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहां पर लिख सकते हैं एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन थ्योरेटिकल
वॉल्यूम, तो जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो ये कितना, प्री एयर डिलीवरी पे वॉल्यूम जो है पर मिनट के हिसाब से सप्लाई हो रहा है, ये एक्चुअल वॉल्यूम होता है, जबकि जो थियोरेटिकल वॉल्यूम है ये सिलेंडर डायमेंशन पे डिपेंड करता है, जिसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के डेरिवेशन की बात करेंगे। इसके लिए हमने आपको बताया ईटा वॉल्यूमेट्रिक इस तरीके से लिखते हैं, और एक्चुअल वॉल्यूम जो है वी एस एस ओ करते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम यानी स्विफ्ट वॉल्यूम जो है वी एस एस ओ करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहां पे एक पीवी डायग्राम बनाएंगे। इसमें प्रोसेस दिखाएंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, ये वॉल्यूम V1 है, यहां पे वॉल्यूम VC रहता है, यहां पे वॉल्यूम V4 रहता है, ये प्रोसेस जो हो रही है कंप्रेशन और एक्सपांशन की, ये PV की पावर N इक्वल टू C को फॉलो करते हैं। तो जो प्रोसेस है 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4, 1, तो दो प्रोसेस यहां पे कांस्टेंट प्रेशर की है, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 से 1, जो कि मिनिमम प्रेशर है, यहां पे प्रेशर की वैल्यू जो रहती है मिनिमम रहती है, यहां पे प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, तो प्रेशर रेशियो बनता है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम। तो 4 to 1 यहां पे जो प्रोसेस है सक्शन है, सक्शन ऑफ एयर होता है, 1 to 2 कंप्रेशन होता है पॉलीट्रॉपिकली, 2 to 3 यहां पे डिलीवरी हो रही है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, जहां पे की वॉल्यूम V2 है। फिर कभी भी जो पिस्टन रहता है जब वो टीडीसी कंडीशन पे पहुंचता है, यानी कि टॉप डेड सेंटर पे, तो कभी वो सिलेंडर हेड से टच नहीं करता है, तो जब सिलेंडर हेड से टच नहीं करता है तो कुछ क्लियरेंस मेंटेन होता है, जैसे कि क्लियरेंस वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, और उसके बाद जो वॉल्यूम मिलता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो यानी जो V1 है वो VC प्लस VS के बराबर है, और V1 को हम टोटल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, V1 को हम टोटल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, VS स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो आफ्टर यहां पे जैसे भी डिलीवरी होती है, तो जो भी यहां पे एयर रह गई क्लियरेंस स्पेस पे, उसका वापस से एक्सपांशन होता है, तो वो एक्सपांशन पॉलीट्रॉपिकली होता है, एयर एक्सपांड होती है 3 to 4, और बाद में फिर से वापस से सक्शन की प्रोसेस होती है, तो इस तरीके से साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो यहां पे हमें निकालना है कि एक्चुअल वॉल्यूम कितना हुआ, VA जैसे कि हम एक्चुअल वॉल्यूम के नाम से जान रहे हैं, और VS जो है ये स्ट्रोक या स्विफ्ट वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल वॉल्यूम कितना है। अब चूंकि जितनी भी हम यहां पे बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, और बिफोर द कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, कंप्रेशन के पहले कितना हमारे पास वॉल्यूम था, कितना हमारे पास प्रेशर था, कितना हमारे पास टेम्परेचर था, तो जितने भी पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 पॉइंट लिखा गया है, तो दिस इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट द इनिशियल
कंडीशन ऑफ द एयर, यानी कि उसकी प्रारंभिक अवस्था में कितना वॉल्यूम या प्रेशर था वो यहाँ पे हम बता रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे कि फाइनली कितना उसका आफ्टर द कंप्रेशन वॉल्यूम या प्रेशर रहा, ये हम बताएंगे। तो दूसरे पॉइंट पे ये हो जाएगा, पहले पॉइंट पे ये हो जाएगा, तीसरे पॉइंट पे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे एयर की डिलीवरी हो रही है, यहाँ पे एयर को हम सप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, यहाँ पे हम इसको P2 बराबर P3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से मिनिमम प्रेशर के लिए P1 बराबर P4 लिख सकते हैं। तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे कितना वॉल्यूम था वो हमें चेक करना है, और कंप्रेशन के पहले कितना वॉल्यूम था वो हमें चेक करना है। तो दो कंडीशन रहती है, कभी भी जो एक्चुअल वॉल्यूम रहता है वो थियोरेटिकल वॉल्यूम से अलग रहता है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है वो टोटली डिफरेंट होती है अपनी बिफोर द कंप्रेशन की कंडीशन से। तो यहां पे हम यूज करेंगे अप्लाई गैस इक्वेशन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू द इनिशियल कंडीशन ऑफ एयर बिफोर कंप्रेशन की। तो जो नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास एनटीपी वाली कंडीशन, जैसे कि एक्चुअल प्रेशर बोलते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन थियोरेटिकल वॉल्यूम, अब बिफोर द कंप्रेशन ये प्रेशर रहेगा P1, वॉल्यूम जो है इफेक्टिव वॉल्यूम आ रहा है अंदर V1 माइनस ऑफ V4 अपॉन T1। तो ये हमारे लिए स्टैंडर्डाइज फार्मूला है। अब यहां से जो हमें VA चाहिए है एक्चुअल वॉल्यूम वो हम निकाल सकते हैं। तो VA इज इक्वल टू लिख सकते हैं P1 TA अपॉन PA T1 और V1 माइनस ऑफ V4। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला था उसमें आपका VA तो आ गया, अब यहां पे पुट अप कर देंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो रहेगी P1 TA अपॉन PA T1 V1 माइनस ऑफ V4 और होल अपॉन VS, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे TA और PA के बारे में। तो TA है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, PA है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टेम्परेचर की एयर जो रहती है ज्यादा टेम्परेचर रहता है नॉर्मल टेम्परेचर से, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कि एनटीपी कंडीशन पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे हम बात करते हैं तो वो प्रेशर जो रहता है वो यहाँ पे कम रहता है कंपेरियन टू द नॉर्मल प्रेशर के। तो यहाँ पे हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए आगे काम करेंगे। तो V1 जो है हमारे पास VC प्लस VS होता है माइनस ऑफ V4 अपॉन VS कर देंगे, तो जो हमको मिल रहा है यहां पे आप देख रहे हैं VS से VS कैंसिल आएगा और VC बाई VS। तो यहां पे एक नया फैक्टर जो जनरेट हो रहा है वो है क्लियरेंस फैक्टर, कि एक वो हम क्लियरेंस फैक्टर के नाम से जानते हैं जो कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए काम आता है। तो हमें जैसा कि पता है कभी भी पिस्टन जो है सिलेंडर हेड से टच नहीं करता है, तो जब टच नहीं करता है तो जो भी क्लियरेंस रहता है वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के रूप में काम आता है। तो जितना ज्यादा क्लियरेंस देंगे उतनी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ये इसका सिंपल सा फंडामेंटल रूल है। अब आगे बात करेंगे P1 TA अपॉन PA T1 ब्रैकेट में VC अपॉन VS प्लस VS अपॉन VS माइनस V4 अपॉन VS। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपका क्लियरेंस फैक्टर बन जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं P1 TA अपॉन PA T1 1 प्लस K, जैसे कि क्लियरेंस फैक्टर बोला
माइनस ऑफ वी फोर बाई वी सी इंटू वी सी बाई वी एस, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे। तो यहां पे हमारे पास एक और क्लियरेंस फैक्टर आ जाएगा, दिस इज द क्लियरेंस फैक्टर वी सी अपॉन वी एस। वन प्लस के माइनस ऑफ के मल्टीप्लाई बाई वी फोर बाई वी सी। अब या तो वॉल्यूम आपको क्लियरेंस पता हो या वी फोर पता हो, दोनों यदि वॉल्यूम पता है तो आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। नॉर्मली के की वैल्यू जो रहती है क्लियरेंस फैक्टर के रूप में रहती है, या बोलना चाहिए वी सी जो है कुछ परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम का न्यूमेरिकल में दिया रहता है, 4%, 5%, 6% इस तरीके से दिया रहता है। तो हम यहां से वीसी को कैलकुलेट कर लेंगे और क्लियरेंस फैक्टर जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास P1 की वैल्यू अवेलेबल रहेगी, TA यदि एनटीपी कंडीशन है वो अवेलेबल रहेगी, फिर एक्चुअल प्रेशर है वो अवेलेबल रहेगा, और जो टेम्परेचर है बिफोर द कंप्रेशन वो अवेलेबल रहेगा। यदि आपके पास वी फोर बाई वी सी नहीं पता है तो उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं पी टू बाई पी वन की पावर वन बाई एन। अब ये कहां से आ रहा है ये हम यहां पे देख लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है एक प्रोसेस होती है 3 to 4 जिसे कि एक्सपांशन प्रोसेस बोलते हैं। तो अप्लाई लॉ पी थ्री वी थ्री की पावर एन इज इक्वल टू पी फोर वी फोर की पावर एन, ये लॉ है पी वी की पावर एन इज इक्वल टू सी का। तो इस लॉ के जरिए पी थ्री बराबर पी टू लिख सकते हैं, और V3 जो है VC है की पावर N, और P4 आप देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है P1 के बराबर है और यहां पे V4 लिख दिया। तो यहां से हमारे पास जो जनरेट हो रहा है ये हो रहा है V4 by VC की पावर N इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख सकते हैं P2 by P1, और जब N को यदि हम फ्री छोड़ेंगे तो V4 by VC इज इक्वल टू P2 by P1 की पावर 1 by N। तो हमारा जो V4 by VC जो निकल के आ रहा है वो यहीं से निकल के आ रहा है, तो इज इक्वल टू P2 by P1 की पावर 1 by N लिख दिया। तो यहां पे इसको पुट अप कर देंगे तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगी, P1 TA अपॉन TA T1 1 प्लस K माइनस ऑफ K मल्टीप्लाई बाई P2 by P1 की पावर 1 by N। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो डेवलप कर दिया। इसी फार्मूले में यदि हम मान के चले हैं कि P1 बराबर PA है, यहां पे लिख सकते हैं इफ P1 बराबर PA और T1 बराबर T1 है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसमें सिंपल फार्मूला जाएगा 1 प्लस K माइनस ऑफ K मल्टीप्लाई बाई P2 बाई P1 की पावर 1 by n। ये फार्मूला तब जनरेट होगा जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के बराबर हो जाएगी। तो आज हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए फार्मूला डेराइव किया।